आपकी कहानी सुनकर मुझे आपके दोस्त मदन पर रहम आ रहा है। वो बेचारा आपकी मोहब्बत की खातिर मुसीबत में फंस गया। उसी की वजह से तो मैं भी परेशान हूं। मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि इस खुदगर्ज दौर में मदन जैसे जज्बाती लोग जिंदा कैसे हैं, जहां हर चीज बिकाऊ है। प्रकाश बाबू, आपका नजरिया बिल्कुल गलत है कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है। दीपक बाबू, लगता है आपने दुनिया देखी ही नहीं। दीपक बाबू, सत्युग में माए फक्र से अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, कलयुग में हर चीज बिकने लगी है तो माए भी बाजार से दूध खरीद कर अपने बच्चों को पिलाती है, फिर उसी बच्चे के लिए स्कूल का एडमिशन खरीदना पड़ता है, उसकी पढ़ाई के लिए टीचर का वक्त खरीदना पड़ता है, और जब वो जवान होकर डिग्री हासिल कर ले तो उसके लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है। इस दौर में सब कुछ बिकता है दीपक बाबू, सब कुछ बिकता है। अगर आप भी अपनी मजबूरी सुनाकर किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपकी कोई ना कोई चीज खरीदने की कोशिश जरूर करेगा। प्रकाश बाबू, अगर मेरे पास ऐसी कोई भी चीज होती जिसे मैं बेच सकता तो भगवान की सौगंध मदन और आशा के लिए जरूर बेच देता। है दीपक बाबू, आपके पास है। मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा अगर आप अपनी बीवी की एक रात मुझे बेच दें तो। चिल्लाओ मत खुदगर्ज इंसान, चिल्लाओ मत। तुम एक रात अपनी बीवी से जुदा रहने को तैयार नहीं। अरे सोचो, उस मासूम बेगुनाह मदन के बारे में सोचो। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिंदगी उसकी जुदाई में गुजारनी पड़ेगी। अगर हर जगह से मायूस हो जाओ तो दुकानदार बनकर इस खरीदार के पास आ जाना। Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.